गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, देखिए हम सेक्शन 4 फ्लूइड डायनेमिक्स का कर रहे थे फ्रॉम सिलेबस ऑफ एमडीयू बीएससी मैथ्स ऑनर्स, जिसके अंदर हमने अपने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए थे, इरोटेशनल मोशन कॉम्प्लेक्स, पोटेंशियल कॉम्प्लेक्स, वेलोसिटी कॉम्प्लेक्स, पोटेंशियल फॉर लाइन डबलेट लाइन सोर्स, एडमिले थॉम्सन थ्योरम, जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर की थी। आप अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर कर रहे हैं, आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आता है तो आपको वो क्वेश्चन मेरी वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे, अदरवाइज आपको उनसे रिलेटेड कोई ना कोई एग्जांपल ज़रूर मिल जाएगा। तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को ओपन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक देखिए क्या है, इमेज ऑफ लाइन सोर्स इन प्लेन। इमेज अगर हमें निकालनी हो एक प्लेन के अंदर लाइन सोर्स के, देखिए इमेज से रिलेटेड आपके पास चार टॉपिक्स आएंगे, इमेज ऑफ लाइन सोर्स इन अ प्लेन। और आपको पता है लाइन सोर्स जब हम किसी भी चीज़ का कर ले तो लाइन सिंक में सिर्फ नेगेटिव साइन करना होता है। उसके बाद हम देखेंगे इमेज ऑफ लाइन डबलेट। उसके बाद जो बाकी के हमारे पास दो टॉपिक्स बच गए वो आएंगे, इमेज ऑफ लाइन सोर्स इन सर्कल और इमेज ऑफ लाइन डबलेट इन सर्कल। सिंक का आपको अपने आप निकालना आ जाएगा अगर आपको सोर्स का आता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इमेज होता क्या। देखिए इमेज, इमेज का मीनिंग यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास एक कर्व है सी और उस कर्व के अक्रॉस हमारे पास जो फ्लो है वो ज़ीरो है। ठीक है, अगर हमारे पास एक कर्व के अक्रॉस हमारे पास जो फ्लो है वो ज़ीरो है, और अगर हम उस केस में कोई भी सोर्स सिंक या डबलेट ले लें अपोजिट साइड ऑफ दिस कर्व। देखिए सी कर्व के एक्रॉस आपके पास ज़ीरो फ्लो है और आपने कोई सोर्स सिंक या डबलेट ले लिया अपोजिट साइड ऑफ कर्व में, तो आपके पास जैसे देखिए ये था, अगर आपने यहाँ कोई सोर्स लिया तो इतने ही डिस्टेंस के इस तरफ यहाँ आपके पास क्या बन जाएगी, उसकी इमेज। ठीक है, यहाँ पर क्या बन जाएगी आपके पास, उसकी इमेज। जस्ट लाइक उस केस में है, आप जैसे मिरर इमेज अपनी देखते हैं, लेकिन मिरर इमेज जब आप देखते हैं तो वो 3D के केस में रहता है, इसमें आपके पास हर एक चीज़ 2D पर बात की गई है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था जब सेक्शन स्टार्ट किया था कि हम 2D के रिगार्डिंग सभी टॉपिक्स इस सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे, 3D का यूज़ कहीं पर भी नहीं आएगा। तो देखिए इमेज ऑफ लाइन सोर्स इन प्लेन क्या है। देखिए मान लीजिए मैंने ये एक प्लेन ले लिया XY प्लेन, मैंने ये प्लेन ले लिया XY प्लेन। ठीक है, इस प्लेन में मैंने यहाँ पर कोई सोर्स लिया, मैंने यहाँ पर कोई सोर्स लिया ए पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस ज़ीरो से है, ए ज़ीरो डेट इज़ ये जो लेंथ है ये मेरे पास ए है, इस सोर्स की मेरे पास स्ट्रेंथ एम है, और ये वाली लाइन ये देखिए, ये जो आपके पास यहाँ पर आपको वाई एक्सिस दिख रहा है, ये जो y एक्सिस या फिर मैं क्या कह सकती हूँ ये x इक्वल टू ज़ीरो की लाइन है, ये जो मेरे पास लाइन है ये x इक्वल टू ज़ीरो की लाइन है। अब मैं आपको इमेज ऑफ लाइन सोर्स इन प्लेन आर्टिकल की स्टार्टिंग कर चुकी हूँ, आपको बता रही हूँ उसको डायग्रामेटिकली, उसके बाद आपको उसका प्रूफ करके दिखाऊंगी। ठीक है, देखिए ये हमने एक सोर्स लिया यहाँ पर ए पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस ए ज़ीरो था, जिसकी स्ट्रेंथ एम है, और ये हमारे पास कोई लाइन है x इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, या फिर आप क्या कह सकते हैं रिजिड इम्परमिएबल प्लेन, यहाँ पर x इक्वल टू ज़ीरो आपके पास क्या है, ये है रिजिड इम्परमिएबल प्लेन। ठीक है, मतलब कि इसमें बिल्कुल भी परमिएबिलिटी नहीं है, इम्परमिएबल है। ठीक है, और ये लिया कहाँ पे है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये जो आपने एक्स वाई प्लेन लिया था इसके परपेंडिकुलर आपने लिया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हमने एज इट इज़ ले लिया। अब हमें क्या निकालना है, इमेज निकालनी है किसकी, इस लाइन सोर्स की, यानी कि इमेज निकालनी है हमें। देखिए मैंने क्या कहा, हमें निकालनी है इमेज ऑफ अ लाइन सोर्स जिसकी स्ट्रेंथ एम है, यहाँ पर मैंने लिया है पर यूनिट लेंथ एट ए पॉइंट पर ये सोर्स है, और किसके विद रिस्पेक्ट निकालनी, इसके ये जो ओ वाई लाइन है इसके, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रीम लाइन ओ वाई। ठीक है, तो इसके लिए मान लीजिए मैंने सबसे पहले क्या किया, देखिए लेट अस प्लेस अ लाइन सोर्स, सबसे पहले मैंने इस तरफ कोई एक लाइन सोर्स रख दिया। ठीक है, मान लीजिए ए डैश पर रखा,
तो लेट अस प्लेस अ लाइन सोर्स एट ए डैश, ठीक है। ए डैश जिसके यहाँ पर पॉइंट्स देखिए, इस तरफ ए ज़ीरो है, इस तरफ मैंने ले लिए माइनस ए ज़ीरो, ठीक है। अगेन स्ट्रेंथ इसकी भी एम है और इसकी भी एम लेंगे। देखिए जब हम कभी भी सोर्सिंग की बात करते हैं तो सब कुछ लिखते हैं। मान लीजिए हमें यहाँ पर हम सोर्स की बात करें तो हम लिखेंगे उस सोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है पर यूनिट लेंथ और उस किस पॉइंट पर है वो सोर्स, ठीक है। सारी हम डिस्कशन करते हैं उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपके पास इसका विद रिस्पेक्ट टू, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया P, इसका डिस्टेंस A डैश से तो R2 लिया और A से मैंने R1 लिया। यहाँ भी कुछ एंगल बन रहा होगा लेट थीटा वन, और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस वो थीटा टू, यहाँ पर थीटा वन। देखिए AP का विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस जो एंगल बन रहा है वो थीटा वन है, और हमारे पास A डैश B का थीटा टू एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल्स है, अभी हमें पता नहीं है ये एंगल्स की वैल्यू क्या है और क्या कुछ है, ठीक है। हम कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल की हेल्प से इन एंगल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया और लेते हैं कि क्या हमने ये जो P पॉइंट यहाँ पर प्लेस किया है क्या ये ठीक है या नहीं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या रहता है, W आप कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल को डिनोट करते हैं नेगेटिव ऑफ m, जितनी स्ट्रेंथ हो उसके आगे माइनस का साइन आता है। ये माइनस सिंक वाला नेगेटिव नहीं है, लेकिन जब मैंने आपके पास कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ऑफ लाइन सोर्स निकालना सिखाया था तब आपको ये फॉर्मूला डिराइव किया था हमने वहाँ पर अच्छे से, तो वहाँ पर आप पहले जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में लिंक, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फॉर लाइन सोर्स की, और प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर इजीली देख सकते हैं उसे, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, माइनस एम लॉग ऑफ जेड माइनस जिस पॉइंट पर सोर्स हो, किस पॉइंट पर सोर्स है ए पर, माइनस एम लॉग ऑफ अगला सोर्स हमारे पास किस पॉइंट पर है, नेगेटिव ए पर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। माइनस एम मैंने कॉमन लिया, मेरे पास अंदर क्या बच गया, लॉग ऑफ जेड माइनस ए प्लस लॉग ऑफ z प्लस में a, log ऑफ m प्लस n इज log ऑफ m n, z माइनस a z प्लस a, ठीक है। सॉल्व करके आपको पता है मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ माइनस m log ऑफ z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या फिर इतना भी आपको लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप डायरेक्टली ही लिख सकते हैं। देखिए आपको पता है z क्या है, x प्लस iota y, ये माइनस है। अगर आप इसको देखिए ये लिखें r1 e की पावर आयोटा थीटा वन, और इसको मैं लिख दूं r2 e की पावर आयोटा थीटा टू, तो ये बिल्कुल सही है। ये देखिए मैंने ये चीज़ कैसे लिखी, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं आपको प्लस वन का रिजल्ट रिमाइंड करवा रही हूँ। जब मेरे पास देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट होता था और मैं इसका डिस्टेंस r लेती थी और मैं कह देती थी x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, x प्लस आयोटा वाई मेरे पास क्या बन गया, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। मैंने क्या लिया, इनको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ठीक है। यानी कि r cos थीटा प्लस आयोटा r साइन थीटा था तो कॉमन ले लिया r। अब ये r तो एज इट इज़, इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर थ्योरी का डायरेक्ट रिजल्ट है, e की पावर आयोटा का एंगल, यानी कि जो एंगल हो वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पर तो डिस्टेंस आर था तो ये फॉर्मूला बन गया, और यहाँ पे जो एंगल था वो थीटा था। अब देखिए एक बार ध्यान से, यहाँ पर जो हम सॉल्व करें इसके अंदर आपके पास डिस्टेंस आर वन था तो आर वन ई की पावर आयोटा थीटा वन, ऐसे ही आपने सेकेंड वाले लाइन सोर्स को भी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, माइनस एम लॉग ऑफ आर वन आर टू e की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू, मैंने सिर्फ इनको इस स्टेप के अंदर अरेंज करके लिखा है, ठीक है। इस स्टेप को अरेंज करके लिखने के बाद देखिए हमारे पास w की वैल्यू होती है फाइव प्लस आयोटा साई, इसको लिख सकते हैं माइनस m log ऑफ m
ये पूरा एक टर्म ले लीजिए और ये पूरी एक टर्म, log ऑफ m इंटू n, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ठीक है। कंपेयर कीजिएगा, जब आपने ये देखिए log e यहाँ पर 1 भी बन सकता है, तो एक बार पहले से एक स्टेप के अंदर हम 1 बना देते हैं, log ऑफ r1 r2 प्लस log ऑफ e1, यहाँ पर आपके पास आ गया iota थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखिए इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कंपेयर करना है, फाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस एम लॉग आर वन आर टू और साई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस एम थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास, आपको बात किस पे करनी है, क्योंकि आपके पास ओवर स्ट्रीम लाइन दी हुई है, तो आपको सिर्फ फाई से मतलब है, क्योंकि स्ट्रीम फंक्शन होता है फाई, सॉरी साई से मतलब है, क्योंकि फाई तो क्या है, इक्वी पोटेंशियल का कहीं पे यूज़ होता है तब काम आता, ठीक है। तो हमें सिर्फ साई को यूज़ करना है। अब साई की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस एम लॉग ऑफ थीटा वन प्लस थीटा टू, ठीक है। अब देखो मैं जो है एक स्पेसिफिक केस की बात कर रही हूँ, जिसके अंदर मेरे पास ये जो पॉइंट पी था, देखिए एक बार फिगर के अंदर देखते हैं, मेरे पास यहाँ कहीं पे पॉइंट P था, अब मैंने P ले लिया वाई एक्सिस पे, इस केस के अंदर यहाँ पर पॉइंट B मान लीजिए, यहाँ पर A मान लीजिए, ठीक है। ये मैंने कौन सा केस लिया, इफ P पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। जब आपके पास वाई एक्सिस पर जाएगा तो आपको बहुत स्पेसिफिकली ये दिख रहा है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो पॉइंट था इसका था a0 डिस्टेंस, इसका माइनस a0 डिस्टेंस, ये वाला सेम है, तो ये वाला जो इन दोनों का एंगल बनेगा, देखिए बस ये है कि ये नेगेटिव साइड और ये पॉजिटिव साइड में है, लेकिन ये जो एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों के आपस में जो एंगल की वैल्यूज़ हैं वो इक्वल होंगे, क्योंकि आप नाइन्थ क्लास में ये थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर इक्वल लाइन्स हों, देखिए यहाँ पर ए पी इक्वल टू बी पी है, ठीक है, अगर इक्वल लाइन हो आपके पास तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या बनते हैं, इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, आपके पास पी ए इक्वल टू पी बी है, सो आपके पास ये जो एंगल पी बी ए है और एंगल पी ए बी है, ये दोनों क्या बनेंगे, ये दोनों एंगल्स आपके पास इक्वल बनेंगे, ठीक है। अब देखिए ये एंगल आपको पता है, जो फिगर आपने शुरू में ड्रॉ की थी वहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो एंगल था, ये एंगल आपके पास क्या था, थीटा टू, ठीक है, और ये एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये थीटा वन था, बाय लीनियर पेयर आप क्या कह सकते हैं कि ये वाला एंगल मेरे पास क्या आ गया, पाई माइनस थीटा वन, ठीक है। यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल थे, आप कह सकते थे यहाँ पर थीटा टू इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा वन, ठीक है। जहाँ से मैं अगर थीटा वन को उस तरफ ले जाऊँ तो थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू पाई आ गया, ठीक है। और इस इक्वेशन में अगर मैं इस वैल्यू को पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, माइनस एम पाई, ठीक है। यहाँ पर आपने जब सब्सटीट्यूट किया तो माइनस एम पाई थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, आपकी बार क्या वैल्यू आई थी आपके पास, पाई। तो ये आपके पास क्या, कांस्टेंट के इक्वल आ गया। आपको पता है स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट के इक्वल कब आता है, जब स्ट्रीम लाइन बन रही हो, ठीक है। यानी कि आपने ये कह दिया कि ये जो पी पॉइंट से ये जो लाइन बन रही है ये स्ट्रीम लाइन है, लेकिन स्ट्रीम लाइन तो क्या थी, ओ वाई, स्ट्रीम लाइन जो हमने ली थी वो ओ वाई थी, और हमने दिखा दिया कि पी पॉइंट हमारे पास स्ट्रीम लाइन के ऊपर है, तभी ये जो स्ट्रीम फंक्शन है ना कांस्टेंट आता है। तो हमने क्या कह दिया, ये पी पॉइंट और कहीं नहीं बल्कि पी पॉइंट इस वाई एक्सिस पर ही है। दिस इम्प्लाइज दैट वाई एक्सिस इज अ स्ट्रीम लाइन, ठीक है। हेंस द इमेज ऑफ लाइन सोर्स, देखिए ये आपके पास जो मैंने पॉइंट लिया था ये ए था, देखिए एक बार मैं वो वाली फिगर भी दिखा देती हूँ आपको जो उस प्रीवियस पेज पर थी मेरे पास। यहाँ पर आपने पॉइंट ए लिया था, यहाँ पर पी लिया था, आप इसको ए डैश ही नाम दे सकते हैं क्योंकि पहले आपने ए डैश ही यूज़ किया है, ठीक है। तो आप इसको अगर ए डैश करते तो यहाँ पर पी को बी को आप रिप्लेस करते ए डैश से, बट मैं क्या कर रही हूँ आपके पास यहाँ पर ही नाम भी दे रही हूँ, प्रीवियस पेज पर ये ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पर बी नेमिंग कर दीजिएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है।
A0 ये भी सोर्स है, ये भी सोर्स है, ये A0 पॉइंट है, ये माइनस A0, दोनों की स्ट्रेंथ क्या है? M, ठीक है। ये जो लाइन है y एक्सिस, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है स्ट्रीम लाइन, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने क्या कंक्लूजन निकाला है कि A की इमेज, जो ये जो सोर्स A है, इसकी इमेज क्या आ गई? B, और B की इमेज A, A की बात है, आप कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि इमेज इमेज किसी भी लाइन सोर्स की विद रिस्पेक्ट टू प्लेन या फिर अ स्ट्रीम लाइन, लाइन सोर्स ही आती है। इमेज ऑफ लाइन सोर्स क्या आएगी? लाइन सोर्स। अगर मैंने एक पॉइंट की इमेज निकालनी है, यहाँ पर देखिए, अगर मुझे ए पॉइंट की इमेज निकालनी है तो वो लाइन सोर्स ही आएगी, और कहाँ पर आएगी? अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल डिस्टेंस में, यानी कि ये भी डिस्टेंस ए था, ये भी डिस्टेंस ए था। तो इन फ्यूचर अगर आपको लाइन सोर्स की इमेज निकालने का कह दे, तो अगर इस साइड पे पॉइंट है, इस साइड पे सोर्स है, तो उसके अपोजिट, स्ट्रीम लाइन के अपोजिट साइड पे आपकी बार उसकी इमेज आएगी, और इमेज भी सेम डिस्टेंस पर होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास इमेज ऑफ अ लाइन सोर्स इन प्लेन। आप इसी तरीके से सिंक का भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको m को माइनस m से रिप्लेस करना है। जहाँ जहाँ पे m है, वहाँ वहाँ पे माइनस m लिख सकते हैं, और आपके पास सेम प्रूफ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत सिंपल सा था, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ ज़्यादा खास था नहीं, सारे रिजल्ट्स वही थे जो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही तक था। ये इमेज ऑफ लाइन सोर्स और लाइन सिंक एक जैसे ही है, तो अगर लाइन सोर्स आपने कर लिया तो आप लाइन सिंक अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके पास टॉपिक आएगा इमेज ऑफ लाइन डबलेट इन अ प्लेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलरली एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। हैव अ नाइस डे।